नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने महंगाई, ईंधन और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया, जिसके वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में भी इसी मांग को लेकर विपक्ष ने विरोध किया। इससे पहले गांधी प्रतिमा के पास भी विरोधी दलों ने ईंधन और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। एक दिन पहले भी विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर दोनों सदनों में अपना विरोध जताया था। अब विपक्ष के पास संसद के बाहर ध्यान में डूबी गांधी प्रतिमा को ही अपना दुखड़ा सुनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद की गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होनी ही थी, क्योंकि चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। खड़गे ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद कीमतें बढ़ा दी गई है। हम ये चाहते हैं, जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और किरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी, ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था। तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है। वहीं राज्यसभा में बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही टीएमसी, शिवसेना और कांग्रेस ने ईंधन की बड़ी कीमतों को लेकर चर्चा की मांग की थी। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज कर दिया था। इसी वजह से राज्यसभा में हंगामा हुआ। टीएमसी के सांसद डोला सेन, कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल और केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल की एलपीजी की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत निलंबन नोटिस दिया था। महंगाई को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अचानक बढ़ोतरी के बारे में चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद किया और सदन ने कुछ पल मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि एवं महंगाई का मुद्दा उठाया और आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने हालांकि शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल चलाया। इस दौरान सदस्यों ने इस्पात, रेल, कपड़ा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने इनके जवाब भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के विरोध करने पर नसीहतें भी दी। सदन आपका है, आपने चुनकर भेजा है, आप इन विषयों पर भी बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाएं, आप इस विषय पर सीट पर जाएं, मैं आपको इस बुनियादी सवाल पर भी आपको मौका दूंगा, लेकिन सदन को नियोजित तरीके से स्थगित कराना ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुसार नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कर जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, ये उच्च सदन की मर्यादा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं सरकार रूस और यूक्रेन के युद्ध को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। जिस तरह से पूरी दुनिया का बाजार बेहाल हुआ है, जिस तरह से पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है, भारत प्रभावित न हो ये असंभव चीज है। 80% से ज्यादा ऑयल जो है वो हमें बाहर से लेना पड़ता है,
और उसका इम्पैक्ट आज युद्ध की वजह से, यूक्रेन युद्ध की वजह से आज जहां पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, अब 20% से ज्यादा यूके में बढ़ा है, 20% से ज्यादा यूएस ने बढ़ा कद इसी दौरान बढ़ गया है, जर्मनी का बढ़ा है, और भी जितने भी देश हैं सब प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर 1% से भी कम जो है वो इसका प्रभाव अभी पड़ने दिया गया है। लेकिन विपक्ष सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी साथ खड़े नजर आए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की थी कि इस पे चर्चा हो कि क्या कारण है भारत सरकार बार बार डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा रही है, पर उस चर्चा को कल अलाउ नहीं किया गया। आज भी ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको उठाया, आज भी अलाउ नहीं किया गया, पर मेरा ये मानना है क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है इसीलिए वो चर्चा होने नहीं दे रहे। अगर ये चर्चा होती तो ये बात बिल्कुल देश के सामने आ जाती कि ये जो बार बार दाम बढ़ाया जा रहा है ये एक तरह का लूट है। वहीं बीजू जनता दल के सांसद भी महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। देखिए, हम तो पहले से ही मानते हैं कि ये जो प्राइस रेज हुआ है जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, सब चीजों में बढ़ा हुआ है, तो इसमें मिडिल क्लास हुआ और जो गरीब तख्त के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक्साइज ड्यूटीज में बहुत बढ़ोतरी हुआ है उसको तो कम करना चाहिए। मंगलवार को भी विपक्ष ने सदन के दोनों सदनों में महंगाई और ईंधन के दामों में बढ़ोतरी पर अपना विरोध जताया था। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद के बाहर सड़क पर भी महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। यादव जी, जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे हैं, क्या वाकई इसे सफलता की तरह देखिए क्या? नहीं, एक होता है ना, हम तो भाषा पढ़ते पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र तो मुझसे बेहतर अरुण सर बैठे हुए वो बता ही दिए, लेकिन भाषा पढ़ने का अर्थ ये होता है ना कि कई बार जो हम कन्विंस जिस तर्क से नहीं होते उसको लेकर कन्विंस करना पड़े तो लहजा बड़ा अजीब सा हो जाता है। असल में ऐसा नहीं है। देखिए, एक तर्क ये सत्ता हमेशा अपने पक्ष में कर गढ़ती है। सवाल इस बात का है कि क्या जो महंगाई है या अर्थव्यवस्था की गिरती हुई हालत थी वो कोविड के पहले भी थी, लेकिन कोविड आने के बाद आपदा में अवसर बना करके लगातार ये कहा गया कि बेरोजगारी के बढ़ने का कारण कोविड है, अर्थव्यवस्था के गिरने का कारण कोविड है, वैसे ही अब ये महंगाई के साथ भी हो रहा है। जबकि यूक्रेन और यूक्रेन युद्ध के अलावा जो तर्क है, जैसे CNG की बात इन्होंने कही, आज से अगर 11 महीने पहले चले जाए तो 42 रुपए दिल्ली में CNG मिल रही थी, इस समय तो वो 68 रुपए दिल्ली में हो गई। तो जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत ये सृजित कर रहे हैं वो अभी तो उस महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। इसलिए महंगाई पर कोई ठोस रणनीति न होना, सेंट्रल से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पॉलिसी, ये सब कुछ ये कह रही है कि पूंजी को कारपोरेट घरानों के बीच संकेंद्रित करने का यह सत्ता का एक राजनीतिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है। और इस ढांचे में हमेशा ये होगा कि जब आप मुनाफा केंद्रित नीतियां बनाएंगे तो जन विरोधी नीतियां वो स्वतः होंगी, और उसका असर फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सत्ता के पास कोई ठोस तर्क है। ये इस बात को चलिए, क्या वाकई आपको लगता है कि इन जगहों पर काम करने की जरूरत है? जिस बात का जिक्र भी अरुण जी ने किया कि देखिए हताशा निराशा का दौर है, लेकिन महेश जी को लगता है कि खुशहाली का दौर चल रहा है, और क्या ये सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है महंगाई को कम करना, बेरोजगारी को खत्म करना? यही वजह है कि विपक्ष को इस विषय पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, संसद में चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा। क्या वाकई आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी नहीं है, सरकार की प्राथमिकता नहीं है? देखिए नेहा जी, आपने पहला सवाल तो ये किया कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने जो सुझाव दिए हैं उससे सहमत असहमत होने की बात, तो उससे असहमत नहीं हो सकता। एक देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से जिनका नाम है वो हमारे सामने सुझाव दे रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उनके सुझावों को कितना माना जाए और
वो कितना कारगर होते हैं सरकारी नीतियों के सामने, तो ये सरकार को तय करना, मैं उनसे सहमत हूँ। दूसरी बात ये कि जो हमारे सत्ताधीश पार्टी के प्रवक्ता हैं वो तो वही बात बोलेंगे ना जो पार्टी लाइन है, लेकिन देखिए हम लोगों का काम ये है कि हम किसी पार्टी या सरकार की तरफदारी के लिए बात नहीं करते, हम आपके सामने आते हैं तो वो सच दिखाने के लिए कि भाई नई शिक्षा नीति में कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और मैं ये दो तीन आंकड़े बताता हूं जल्दी जल्दी क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 10,000 शिक्षकों में से 6,000 शिक्षक ऐसे हैं जो एडहॉक बेसिस पर हैं, उनको आज तक परमानेंट नहीं किया गया, 7 साल क्या उसके लिए कम होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है उसमें ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ेगा, वर्कलोड घटेगा और क्रेडिट सिस्टम जो इंडोर्स किया गया है उसके जरिए अब नौकरियां कम होंगी। तीसरा आंकड़ा मुझसे लीजिए कि इस समय देश भर के विश्वविद्यालयों के तकरीबन 40% पोस्ट वैकेंट हैं। वैकेंट जो बात अरुण जी ने कही ना कि वैकेंट पोस्ट तो एक बात है, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कैसे नौकरियां कम की जाएं उसकी पॉलिसी मेकिंग है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ग्रेडर ऑटोनॉमी, ये सब नई एजुकेशन पॉलिसी में है, इसलिए आप इसको कोई दुआ स्वप्न न दिखाएं। यह बिल्कुल नई शिक्षा नीति प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएगी। आखिरी बात कि कोई ऐसी खुशी कहाँ छिपी होती है जो जनता को नहीं पता होती और सत्ता कहती है कि आप खुश हो, ये कैसी खुशी है।